Hello, Vasu. Let's read this question. The question says, if a deployed cell is treated with colchicine, then it becomes. So question में पूछा है कि अगर एक deployed cell को colchicine से treat करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? First diploid, second tetraploid, third diploid, fourth monoploid. So the key concept is colchicine treatment. So what is colchicine? Colchicine एक chemical होता है, जो क्या करता है? It disrupts the cell division. जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है उसको ये डिस्टर्ब करता है, उसमें इंटरफेयर करता है बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल. माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म नहीं होने देता है. माइटोटिक स्पिंडल क्या होते हैं? दे आर द स्पिंडल फाइबर्स जो क्या करते हैं, क्रोमोजोम्स को सेपरेट करके अलाइन करते हैं एक पोजिशन में. जो क्रोमोजोम होगा वो अपने सेंट्रोमियर के थ्रू इस पर एक अलाइन होता है, either on the equator on the or on the separate poles. So जब कोई diploid cell है, question में दिया है कि कभी कोई diploid cell है, if अगर वो mitosis करता है, mitosis में क्या होता है, same chromosome number होते हैं जितने parents में होते हैं. अगर एक cell mitosis करेगा तो दो cell बनाएगा, उसमें chromosome number कितने होंगे, जितने की parents में होती हैं. But अगर यहाँ पर कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट यहाँ पर दे दें तो क्या हो जाएगा इस सेल का? तो यहाँ पर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट हो जाएंगे. बट कैन नॉट बी फोल्ड अपार्ट इनटू टू डॉटर सेल्स, लेकिन दो डॉटर सेल्स नहीं बनेंगे. तो एट द एंड क्या होगा, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे. सपोज पेरेंट में अगर 20 है तो ऑफस्प्रिंग में 40 हो जाएंगे ड्यू टू कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट. ऑप्शन फर्स्ट है ट्रिप्लॉइड. ट्रिप्लॉइड मींस क्या होता है, व्हेन अ सेल हैज थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वन सेट, टू सेट एंड थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज ट्रिप्लॉइड. सो ट्रिप्लॉइड सेट में थ्री सेट होते हैं क्रोमोसोम के. बट कॉल्चिसिन क्या करता है, डबल करता है क्रोमोसोम नंबर को. और यहां पर क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है. सो अगर एक डिप्लॉइड सेल है तो उसका क्या होगा, टेट्राप्लॉइड होगा, ना कि ट्रिप्लॉइड सेल बनेगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है. ऑप्शन सेकंड में कहा है टेट्राप्लॉइड, दिस इज करेक्ट. बिकॉज जब एक डिप्लॉइड सेल को कॉल्चिसिन से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसके क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होंगे और वो क्या बना लेगा, 4n टेट्राप्लॉइड बना लेगा. दैट मीन्स 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर, बिकॉज ये नॉर्मल सेल डिविजन को इंटरप्ट करता है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म नहीं होने देता. ऑप्शन सी में कहा है डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड अगर सेल है तो वो डिप्लॉइड तो नहीं बनाएगा कॉल्चिसिन ट्रीट करने पर, क्योंकि यहां पर तो क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं. सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ है मोनोप्लॉइड, दैट इज सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो यहां पर माइटोसिस करने पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये मोनोप्लॉइड बनाना चाहिए, बट कॉल्चिसिन क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस नहीं करता, इवन उनको बढ़ाता है. सो ये भी इनकरेक्ट है. सो द फाइनल आंसर इज बी टेट्राप्लॉइड. Hope you understood it well. Best of luck.